कहते हैं कुछ काल्पनिक दुनिया अपनी सी लगने लग जाती है। कहानी के किरदार में हम इतना रम जाते हैं कि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम हैं कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। बेब सीरीज की दुनिया का सिकंदर, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के प्यार से लबालब एक ऐसा शो जिसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया हो। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, यहाँ चर्चा थ्रिलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट की हो रही है। इस सीरीज की खास बात यह है कि इनके किरदार की कहानी में भले ही अंत हो गई हो, लेकिन बावजूद इसके फैंस इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। यहाँ बात हो रही है आपके बर्लिन उर्फ पेड्रो ओकोरो गोंजालेज ओलोंसो लोपेज की। पेड्रो के बारे में प्रशंसक आए दिन सोशल मीडिया में बातचीत करते रहे हैं। इस बीच उनके धर्म से जुड़ी काफी रोचक जानकारियों की भी चर्चा हो रही है, जहां उनका भारत से आखिर क्या और कैसा कनेक्शन है उसका उत्तर आज इस रिपोर्ट में हमने बताई है। वहीं हम अपने इस खबर में पेड्रो से जुड़ी हर उस पहलुओं पर बात करेंगे जिसे शायद ही आपने सुना होगा। बर्लिन के किरदार की अपार पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहां बात होगी कि आखिर इस एक्टर में और क्या ऐसी बातें हैं जिसके चलते उन्होंने आपके दिलों में राज किया। आप तो जानते ही हैं कि मनी हाइस्ट सीरीज पेड्रो के बिना ठीक वैसे ही अधूरी है जैसे बिना फूलों का बगीचा, और अगर आज के जनरेशन के हिसाब से कहें तो बिना इंटरनेट का स्मार्टफोन। इस धमाकेदार सीरीज में बर्लिन के किरदार की मौत 5 सीजन तक सफर तय करने वाले इस शो के 2 सीजन में ही हो जाती है, लेकिन पेड्रो के किरदार बर्लिन इतना जीवंत बन गए कि लोगों ने उनकी जमकर चर्चा आज तक की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 जून 1971 में स्पेन के विगो शहर में जन्मे पेड्रो को खास तौर पर हिंदू धर्म से बेहद लगाव है, जिसका खुलासा खुद पेड्रो भाई साहब ने किया है। दरअसल मनी हाइस्ट का ये शानदार किरदार असल जिंदगी में एक मल्टी टैलेंटेड पैकेज है, जिनके पास इतनी खूबियां हैं कि उन्हें वर्ल्ड गॉड टैलेंट का खिताब भी दे दिया जाए तो कम होगा। अब इस प्रभावी चेहरे के एक्टिंग की बात करें तो आप सभी बखूबी देख चुके होंगे, लेकिन महाशय एक्टिंग के साथ साथ लिखने का भी शौक रखते हैं, और आगे बढ़े तो उन्हें पेंटिंग करना भी बेहद अच्छा लगता है। मजे की बात सुनिए, आपके बर्लिन साहब का दिल और दिमाग घोड़े की तरह तेज भागता है, जहां उनका टैलेंट ऐसा कि वो दोनों ही हाथों से लिख भी लेते हैं और पेंट भी कर लेते हैं। आप जरा सोचिए ना, भला भगवान ने पेड्रो को इतना भी क्या फुर्सत से बना दिया कि उन्होंने अलोंसो साहब को एक साथ ही सारी खूबियां दे दी। यहाँ तो एक पे भी मुश्किल पड़ जाती है। यहाँ किताब लिखने वाले ये भाई साहब कई किताबें लिख चुके हैं, हालांकि उनमें से एक ही पब्लिश हुई है, जिसका कवर पेज भी पेड्रो भैया ने ही डिजाइन किया है। अब आप में से कई तो यही सोच रहे होंगे कि अच्छा है, पेड्रो जैसा कोई बच्चा उनके घर में पैदा नहीं हुआ, उन्हें और कितने ही ताने से गुजरना पड़ता। अब इन सब में आपको हम बता दें कि जितने भी टैलेंट पेड्रो के पास है उसमें हिंदू धर्म से जुड़ी कड़ियां लगभग हर एक में शामिल है, चाहे वो पेंट करे या लिखे या बात करे। उनका हिंदू धर्म के प्रति प्रेम अब जग जाहिर हो चुका है। अब इन सब में अगर अब आप सोचेंगे कि आखिर स्पेन का ये एक्टर इंडिया और उसके कल्चर को क्या ही जानता होगा, लेकिन जनाब आपकी गलतफहमी को दूर करते हुए बता दें कि पेड्रो के घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई है, साथ ही एक्टर ने अपने यहाँ भगवत गीता भी रखा है। भारत की संस्कृति के खुशबू में पेड्रो साहब इतने रम गए हैं कि उनके घर की दीवारें इसका सबसे बड़ा सबूत देती है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को अपने दोनों ही हाथों के जरिए बनाने का टैलेंट सचमुच काफी अनोखा है। इन सब का खुलासा बर्लिन ने कई बार अपने इंटरव्यू में किया है, जबकि उन्होंने इंडिया आने की भी इच्छा जताई है। बर्लिन उर्फ पेड्रो ओकोरो गोंजालेज ओलोंसो लोपेज, भारत की तरफ से उन्हें खूब प्यार दिया जा रहा है, और अब देश और दुनिया के उनके तमाम फैंस उनके नए सीरीज स्पिन ऑफ बर्लिन के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब उम्मीद है कि हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखने वाले पेड्रो साहब जल्द ही भारत आए और अपनी इच्छा पूरी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।